हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्न 12 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या करें, उपयुक्त सर्व समीकरणों के प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, हम लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं इसमें कौन सी सर्व समीकरण लगा सकते हैं। हम लोग लगा सकते हैं x + a (x + b), तो इसका फॉर्मूला मैंने बता रखा था आपको, x² बता रखी है ना जी, a + b (x + a, b), यही हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, इसमें भी यही अप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं, फर्स्ट नंबर दिया है x + 4 (x + 10), तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा यहाँ पर, x² + 4 + 10 (x + a, b) यानी 4 (10), यानी आ जाएगा x² + 14 (x + 40). अब इसका सेकेंड नंबर देखते हैं, दिया हुआ है x + 8 (x - 10). एक काम करते हैं, यहाँ पर x + 8 ऐसे ही रहने देते हैं और x + 10 को ऐसे लिख देते हैं, x + 10। तो यहाँ देखो ये इसी फॉर्म पे हो गया। तो अब क्या करेंगे, आपका x² + 8 - 10 (x + 8 - 10). तो यहाँ से अब क्या आ जाएगा, देखिए तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका x² - 2x + 8, यही ना हो जाएगा जी, समझे ना। चलिए अब इसका थर्ड नंबर देखते हैं, थर्ड नंबर यही सर्व समीकरण लगाएंगे। दिया हुआ है 3x + 4 (x - 5), हम लोग लिख सकते हैं इसे 3x + 4 (x) यहाँ पर 3x + -5, तो ये b के प्लेस पे, a के प्लेस और x के प्लेस पे है, तो हो जाएगा x² नहीं, हो जाएगा 3x² + 4 - 5 (x), x की जगह पे है 3x और प्लस का 4 - 5, चलिए आ जाएगा यहाँ पे 9x² यहाँ -1 और फिर से तो -3x हो जाएगा और फिर -20, ये आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर फोर नंबर देखते हैं। फोर नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है y² + 3/2 (y² - 3/2), ये फॉर्मूले पे दिख रहा है, आइडेंटिटी दिख रही है a + b (a - b), तो ये किसके इक्वल होता है, a² - b² के, यानी हो जाएगा यहाँ पर कितना, y² का स्क्वायर और -3/2 का स्क्वायर, यानी आ जाएगा यहाँ पर y⁴ और -9/4 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर फाइव नंबर देखते हैं, 3 - 2x और (x + 2) माइनस प्लस में है तो यहाँ हो जाएगा, एक आइडेंटिटी लग जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 - 4x², समझ गए। तो नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है, सीधा गुना किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मानने वाले, तो अभी हम लोग सर समीकरण का ही प्रयोग करके बनाएंगे। देखिए फर्स्ट नंबर दिया है 103 (x - 107), तो एक काम करते हैं 100+3 कर देते हैं और (x + 100+7), तो फॉर आइडेंटिटी हम लोग जानते ही हैं आपका x + a (x + b) होगा, तो हो जाएगा x² + a + b (x + a), ये ना करेंगे तो यही अप्लाई करके 100² + 3+7 (100+3)/7, तो यहाँ पर हो जाएगा 10,000 + 1,000 और प्लस का 21, तो यहाँ से आ जाएगा ऐड करने पे 11,021 हो जाएगा, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में दिया है 95 (x - 96), तो आप एक काम करो 100 - 5 कर लो और (x - 100+-4) कर लो, ऐसे तो इसके लिए भी आइडेंटिटी हम लोग बना सकते हैं यहाँ पे कि x - a (x - b) हो, तो आप इसे लिख सकते हैं x² - a + b(x + a), ये हो जाएगा, तो आपका यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 100² - यहाँ पे आ जाएगा 5+4 (x - 100+5)/4। अब इसके बाद देखिए 10,000 - 900, ठीक है, और प्लस का यहाँ पर 20, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा इसको स्क्वायर करके देखेंगे 9120, यहाँ से आंसर आ जाएगा, समझ गए। चलिए अब इसका थर्ड नंबर देखते हैं, थर्ड नंबर में दिया है 104 (x - 96), तो एक काम करते हैं 104 को 100+4 और 96 को 100-4 कर देते, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, आइडेंटिटी जानते हैं a + b (x - a) होता है
हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर के इक्वल, यानी हो जाएगा यहाँ पे 100 का स्क्वायर और माइनस का 4 का स्क्वायर, 10,000 और माइनस का 16, यानी आ जाएगा 9,984। ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3, गुणनखंड कीजिए। इसके फर्स्ट नंबर से देखिए, दिया है 10x का पावर 4y माइनस का 10xy का पावर 4, ऐसे कॉमन हो जाएगा 10xy, तो यहाँ बच जाएगा आपका x क्यूब और माइनस वाई का क्यूब। मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो 10xy इंटू में हो जाएगा x माइनस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझे ना। इसका सेकेंड नंबर देखते हैं, दिया है एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस का 1, ये हो जाएगा एक्स वाई का क्यूब और प्लस 1 का क्यूब। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जानते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई प्लस का 1 इंटू में एक्स वाई का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई इंटू में 1 प्लस का 1 का स्क्वायर, यानी आ जाएगा यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई और प्लस का 1, ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसका सेकंड नंबर का हो गया। चलते अब इसके थर्ड नंबर को देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड नंबर, दिया हुआ है 8x³y³+27ac³। ये काम करते हैं, 2xy का क्यूब कर देते हैं और प्लस इसे 3a का क्यूब कर देते हैं। तो फॉर्मूला जानते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है आइडेंटिटी, ए प्लस का बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो इसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा यहाँ पर आपका आ जाएगा 2xy+3a इंटू में 2xy का स्क्वायर माइनस का 2xy इंटू में 3a और प्लस में 3a का स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 2xy+3a इंटू में 4x²y² माइनस का 6xya और प्लस का 9a² ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर इसका 4 देखते हैं। 4 नंबर में दिया है a का पावर 12 प्लस b का पावर 12। तो एक काम करते हैं, a का पावर 4 का क्यूब कर देते हैं, b के पावर 4 का क्यूब कर देते हैं। अब a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगा देते हैं, हो जाएगा a प्लस b यानी a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 इंटू ए का पावर 4 का स्क्वायर माइनस का ab यानी a का पावर 4 इंटू b के पावर 4 और प्लस में b के पावर 4 का स्क्वायर। चलिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, a का पावर 4 प्लस का b का पावर 4 इंटू में a का पावर 8 माइनस a का पावर 4 b का पावर 4 प्लस b का पावर 8, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, उपरोक्त समीकरण का प्रयोग करें निम्नलिखित को प्रसार करना है। देखिए यहाँ फर्स्ट नंबर में ये x प्लस 2y प्लस का 4z का होल स्क्वायर। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू में x इंटू में 2y प्लस का 2 इंटू में 2y इंटू में 4z और प्लस का 2 इंटू में 4z इंटू में x, ये ना हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 16z का स्क्वायर प्लस का 4xy प्लस का 16yz और प्लस का 8zx, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड नंबर, दिया हुआ है 2x-y+z का होल स्क्वायर। चाहो तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में बना सकते हो, लेकिन इसके लिए भी हम लोग अलग से आइडेंटिटी जानते हैं कि a माइनस बी और प्लस सी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc प्लस का 2ca। इसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं, हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में 2x इंटू में वाई, ठीक है, फिर माइनस का 2 इंटू में वाई इंटू में जेड और प्लस का 2 इंटू में जेड इंटू में 2x। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का 4xy माइनस का 2yz और प्लस का 4zx, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। ये इसका थर्ड नंबर देखते हैं, थर्ड नंबर में देखिए दिया हुआ है माइनस का 2x प्लस का 3y प्लस का 2z का होल स्क्वायर। तो इसके लिए भी आइडेंटिटी हम लोग अलग से जानते हैं
माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का टू ए बी प्लस का टू बी सी माइनस का टू सी ए, इसी को अप्लाई करते हैं हो जाएगा टू एक्स का स्क्वायर प्लस में थ्री वाई का स्क्वायर प्लस में टू जेड का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का टू इंटू में टू एक्स इंटू में थ्री वाई प्लस का टू इंटू में थ्री वाई इंटू में टू जेड और फिर प्लस में सॉरी माइनस में टू इंटू में टू जेड इंटू में टू एक्स, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं फोर एक्स स्क्वायर प्लस का नाइन वाई स्क्वायर प्लस का सिक्सटीन जेड स्क्वायर, सॉरी टू है ना तो फोर हो जाएगा फोर जेड स्क्वायर, ठीक है, फोर जेड स्क्वायर माइनस का ट्वेल्व एक्स वाई प्लस का ट्वेल्व जे वाई जेड और माइनस का यहाँ पर हो जाएगा एट जेड एक्स, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर फोर नंबर देखते हैं, यह है थ्री ए माइनस का सेवन बी माइनस सी का होल स्क्वायर। हम लोग इसके लिए आइडेंटिटी जानते हैं, कौन सा आइडेंटिटी है जी, तो ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का टू ए बी प्लस का टू बी सी माइनस का टू सी ए। अब इसके बाद हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं थ्री ए का स्क्वायर प्लस का सेवन बी का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का सी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का टू इंटू में थ्री ए इंटू में सेवन बी फिर प्लस का टू इंटू में सेवन बी इंटू में सी और माइनस का टू इंटू में सी इंटू में थ्री ए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नाइन ए स्क्वायर प्लस का फोर्टी नाइन बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का यहाँ पर कितना हो जाएगा 42 ना जी, 42 ए बी प्लस का 14 बी सी और माइनस का 6 सी ए, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं इसका फाइव नंबर दिया है माइनस का 2x प्लस का 5y माइनस का 3z का होल स्क्वायर। तो आप देखो यहाँ पे माइनस ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस का 2c। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस में 5y का स्क्वायर प्लस में 3z का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2 इंटू में 2x इंटू में 5y माइनस का 2 इंटू में 5y इंटू में 3z और प्लस का 2 इंटू में 3z इंटू में आपका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं फोर एक्स स्क्वायर प्लस का 25y स्क्वायर प्लस का 9z स्क्वायर माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 20xy माइनस का हो जाएगा आपका 30yz और प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 12zx, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसका सिक्स नंबर दिया हुआ है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc प्लस का 2ca, यही ना होगा जी, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1/4a का स्क्वायर प्लस में 1/2b का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में 1/4a इंटू में 1/2b माइनस का 2 इंटू में 1/2b इंटू में 1 और प्लस का 2 इंटू में 1 इंटू में 1/4a, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं क्या होता है 1/4a ऊपर है, ठीक है, यहाँ पर चलिए तो हो जाएगा यहाँ पर 1/16 ए स्क्वायर या ए स्क्वायर बाई 16 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस बी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 यहाँ 2 से 2 काट देंगे यहाँ माइनस का 1/4 ए बी माइनस का यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा माइनस का बी हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखिए इससे मुकाब से 2 टर्म में तो प्लस का ए बाई 2 या फिर 1/2 ए भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए गुणनखंड करने के लिए कह रहा है, पहला देखिए दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर प्लस का 16z स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 12xy माइनस का 24yz और प्लस का माइनस का 16xz। अब इसमें थोड़ा सोचना होगा, देखो इसमें दोनों में कौन सा वाला टर्म है, z वाला, लेकिन z वाला टर्म माइनस में रखेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, है ना जी, तभी ना ये माइनस में आ रहे हैं दोनों, z वाला टर्म माइनस में होगा, तो एक काम करते हैं इसे देखिए क्या करते हैं 2x का स्क्वायर
थ्री वाई का स्क्वायर और माइनस फोर जेड का होल स्क्वायर, यही आएगा। प्लस का टू इंटू में यहाँ पर ट्वेल्व है, ठीक है, टू इंटू में टू एक्स इंटू में थ्री वाई, यही आ जाएगा। माइनस का यहाँ पर प्लस दे देते हैं, टू इंटू में थ्री वाई इंटू में माइनस का फोर जेड, ठीक है, यही हो जाएगा आपका। फिर प्लस का टू इंटू में माइनस का फोर जेड और इंटू में आपका टू एक्स, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये फॉर्मूले पे सेट हो रहा है, ए प्लस बी माइनस का सी का होल स्क्वायर, इसी को दो बार लिख देंगे, टू एक्स प्लस का थ्री वाई माइनस का फोर जेड, और यहाँ हो जाएगा टू एक्स प्लस का थ्री वाई माइनस का फोर जेड, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। अब इसका सेकेंड नंबर देखते हैं, दिया हुआ है टू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का एट जेड स्क्वायर, ठीक है, फिर उसके बाद है माइनस का टू रूट टू एक्स वाई प्लस का फोर रूट टू वाई जेड और माइनस का एट एक्स जेड। चलिए एक काम करते हैं, अब यहाँ पर देखिए इसे हम लोग रूट टू एक्स का स्क्वायर कर सकते हैं, तो यहाँ पहले देख लो कौन वाला x वाला जहाँ जहाँ टर्म है वो माइनस में, इसलिए इसे माइनस रूट टू एक्स का होल स्क्वायर कर देते हैं, प्लस y का स्क्वायर और प्लस यहाँ टू रूट टू जेड का स्क्वायर, देख लो प्लस टू इंटू में माइनस का रूट टू एक्स और इंटू में y कर देंगे आ जाएगा, फिर प्लस में टू इंटू में y इंटू में टू रूट टू जेड ले लेंगे तो ये आ जाएगा, है कि नहीं। फिर प्लस टू इंटू में टू रूट टू जेड और इंटू में माइनस का रूट टू एक्स ले लेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले पे सेट हो रहा है किसके, माइनस का एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो इसी को दो बार आप लिख सकते हैं, तो माइनस का रूट टू एक्स प्लस का वाई प्लस का टू रूट टू जेड और फिर माइनस का रूट टू एक्स प्लस वाई प्लस का टू रूट टू जेड, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं सिक्स, निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड कीजिए, त्रिघात के फॉर्म में। अच्छा एक काम करो, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब का, क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस का थ्री ए बी स्क्वायर। अच्छा, या फिर इसे हम लोग एक और फॉर्म में लिखते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस थ्री ए बी इंटू में a माइनस बी, तो नीचे वाले पे नहीं फॉर्म लगेगा, ऊपर वाले पे थोड़ा सा हमें सेट करना होगा किस तरह से, देखिए हम लोग सेट करते हैं इसको। हम लोग फर्स्ट वाले में देखिए क्या करते हैं, एट ए क्यूब माइनस बी क्यूब है माइनस का फोर ए एक्स और प्लस का टू बी एक्स है, यहाँ पे हम लोग इसको सेट करते हैं टू ए का क्यूब और माइनस बी क्यूब, और इसमें से कुछ कॉमन है क्या, यहाँ टू एक्स कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ टू ए और माइनस का बी बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप एक काम करते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी लगाएंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, तो इसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा यहाँ पे टू ए माइनस का बी इंटू में टू ए का स्क्वायर प्लस टू ए इंटू में बी प्लस का बी का स्क्वायर और माइनस टू एक्स इंटू में टू ए माइनस बी। टू ए माइनस बी यहाँ से निकाल लेते हैं, टू ए माइनस बी को यहाँ कॉमन कर लेंगे, क्या हो जाएगा आपका फोर ए स्क्वायर प्लस का टू ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर यहाँ आ जाएगा माइनस का टू एक्स, है कि नहीं, ये ना होगा जी, तो यही आपका आंसर हो गया, और कुछ तो कर नहीं सकते इसमें, यही आपका आंसर हो गया। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर सेकेंड नंबर देखते हैं, देखिए है एक्स क्यूब माइनस ट्वेल्व एक्स इंटू में एक्स माइनस फोर माइनस फोर का यानी क्यूब यानी चौंसठ जो जो भी दिया है, ये एक्स का क्यूब इसे हम लोग चार का क्यूब कर देते हैं, और बीच वाले में देखिए माइनस दो माइनस का तीन गुना में एक्स गुना में चार, यही आ जाएगा, और गुना में एक्स माइनस चार, तो ये वाले फॉर्मूले का सेट है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का थ्री ए बी इंटू बी माइनस बी, किसका फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल क्यूब यानी एक्स माइनस फोर का होल क्यूब हो जाएगा। चाहोगे तो आप इसी को तीन बार लिख दो, एक्स माइनस फोर इंटू में एक्स माइनस फोर इंटू में एक्स माइनस फोर, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए, क्या निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए, यहाँ दो ही फॉर्म लगाने वाले हैं, एक ए प्लस बी का होल क्यूब का आइडेंटिटी और एक ए माइनस बी के होल क्यूब का, तो दोनों का मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए क्यूब, ठीक है, इसका ए क्यूब यहाँ पर फिर प्लस का थ्री ए स्क्वायर बी प्लस का थ्री ए बी स्क्वायर और प्लस का बी क्यूब, इसका ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस का थ्री ए स्क्वायर बी
प्लस का 3ab² और प्लस माइनस का बी क्यूब हो जाएगा। चलिए अब इन दोनों को लगाते हैं, फर्स्ट वाले से 2a + 1 का होल क्यूब, तो ऊपर वाला लगा देंगे तो हो जाएगा 2a³ प्लस 3 × 2x² × आपका 1 प्लस में 3 × 2x² और प्लस में 1³। यहाँ हो जाएगा आपका कितना 8x³ प्लस का 12x² प्लस का 6x और प्लस का 1, ये हो जाएगा। चलते इसके सेकंड नंबर पे। चलिए अब इसका सेकंड नंबर देखिए, सेकंड वाला आइडेंटिटी बनेगा 2a - 3b का होल क्यूब, 1³ a - b का होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा 2a³ - 3 × 2a² × 3b और प्लस का 3 × 2a × 3b² और माइनस 3b³ हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 8a³ माइनस का यहाँ 9 × 4 = 36 a²b, ठीक है। अच्छा और यहाँ पर क्या होगा 3a² है, यहाँ स्क्वायर होगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 9 × 9 = 54 प्लस का 54 ab² और माइनस का 27b³, यही आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड नंबर दिया हुआ है 3/2x + 1 का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 3/2x³ प्लस का 3 × 3/2x² × 1, ठीक है, और फिर प्लस 3 × 3/2x² और प्लस में 1³। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 27/8x³, ठीक है, प्लस का यहाँ 27/4x² प्लस में 9/2x और प्लस का 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसका फोर नंबर देखते हैं, फोर नंबर में दिया हुआ है x - 2/3y का होल क्यूब, यहाँ हो जाएगा आपका क्या x³ माइनस का 3 × x² × 2/3y और फिर प्लस में 3 × x² × 2/3y² और फिर यहाँ पर -2/3y³ हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ पर देखते हैं x³ माइनस यहाँ ये इसे कर जाएगा माइनस का 2x² y और प्लस का यहाँ पर देखिए 4/9 हो कर जाएगा 4/3 हो जाएगा 4/3xy², ठीक है, और प्लस माइनस माइनस है आपका हो जाएगा 8/27y³, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए, नेक्स्ट देखते हैं नंबर प्रूफ सर्वसमीकरणों का उपयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। चलिए फर्स्ट नंबर दिया है 99³, तो ये काम करते हैं यहाँ 100 - 1³ कर देते हैं और a³ a - b³ का फॉर्मूला लगा देते हैं, आइडेंटिटी ये ना हो a³ माइनस का 3a² b प्लस का 3ab² और माइनस का b³, यहाँ हो जाएगा 100³ माइनस का 3 × 100² × 1 और प्लस में 3 × 100² × 1² और माइनस b³ यानी 1 का यहाँ पर क्यूब, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 के ऊपर यहाँ 60 लग जाएंगे माइनस का 3 के ऊपर यहाँ पर 40 लग जाएंगे और प्लस 300 और फिर माइनस का 1। देखिए अब इसके बाद इसको स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे और फिर सबट्रैक्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 970299, ये आपका आंसर होगा। चलिए सेकंड नंबर इसका देख लेते हैं, यहाँ पर दिया है 998³, तो इसे काम करते हैं यहाँ पर लिखते हैं 1000 - 2³, तो a - b का होल क्यूब यानी आ जाएगा 1000³ माइनस का 3 × 1000² × 2 और प्लस में 3 × 1000² और माइनस का 2³। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, 3, 6 और 3, 9, 1 के ऊपर 9 0 माइनस यहाँ 6 के ऊपर कितना 0 6 0 हो जाएगा 3, 3, 6 और प्लस यहाँ 4 3 12, 12 के ऊपर 3 0 और माइनस का 8। इन दोनों माइनस वाले को अलग ऐड कर लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं अलग, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 1 0 यहाँ पर 5 0 छोड़ देते हैं, ये यही ना यही छोड़ेंगे यहाँ पर 2 2 4, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आ जाएगा 12 0 0 0 माइनस यहाँ पे इन दोनों को 6 0 0 0
जीरो जीरो और यहाँ एट, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 9940111992, ये आपका आंसर आ जाएगा, समझे ना। नेक्स्ट देखते हैं इसका एक और, इसका थर्ड नंबर दिया है 102 का क्यूब, यहाँ पे लिख सकते हैं इसे 100+2 का क्यूब, तो ए प्लस बी का होल क्यूब जानते ही हैं, ए क्यूब प्लस का 3a² बी प्लस का 3ab² प्लस का बी क्यूब, तो यहाँ हो जाएगा 100 का क्यूब प्लस में 3 इंटू में 100 का स्क्वायर इंटू में 2 प्लस का 3 इंटू में 100 इंटू में 2 का स्क्वायर और प्लस में b का क्यूब, यानी कि हो जाएगा 2 का क्यूब, तो यहाँ पे क्या जाएगा 60 आएगा 1 के ऊपर, 2 4 2 6 प्लस में यहाँ पर आ जाएगा, ये 2 है ना जी, 3 2 6 के ऊपर 40 प्लस 4 3 12 के ऊपर 20 और ये 8, इन सबको ऐड कर देते हैं तो 1 0 6 1 2 0 8, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो आज की क्लास में ना हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रवि कांत सर, और तीसरा चैनल है रवि कांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.रविकांतसर.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।